हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में नॉर्टन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके थ्री प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें नॉर्टन थ्योरम का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन बिलो बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो देखिए क्वेश्चन में जो सर्किट दिया था वो आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, हम इसको तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर वन में हम फाइंड आउट करेंगे ZTH, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। स्टेप नंबर टू में हम फाइंड आउट करेंगे IN, इट मींस नॉर्टन करंट। और स्टेप नंबर थ्री में ZTH और IN को हम पैरेलली कनेक्ट करके नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो चलो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ZTH। और ZTH फाइंड आउट करते समय हम यहां पे जितने भी सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करेंगे। अब यहां पे कितने सोर्सेस है देखिए, यहां पे सिर्फ एक सोर्स है, वो है करंट सोर्स। ये देखिए ये एक करंट सोर्स है, हमें ये करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। इट मींस करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट, बाकी रिमेनिंग सर्किट एज इट इज रहेगा। तो चलो हम यहां पे स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर वन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ZTH। स्टेप नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ ZTH, और यहां पे एक न्यू सर्किट बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने न्यू सर्किट यहां बना लिए हैं, और जैसा हमने कहा था कि ZTH फाइंड आउट करते समय सभी के सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है, तो ये करंट सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करना है, इट मींस हमें उसको ओपन सर्किट करना है। तो ये देखिए ये हमने न्यू सर्किट बना लिए हैं, बाकी रिमेनिंग सब कुछ एज इट इज है। सिर्फ हमने जहां पे करंट सोर्स था उसको हमने ओपन सर्किट किए, उसके जो दोनों एंड्स है उसको हमने ओपन सर्किट किए, और अब ये न्यू सर्किट में हमें ZTH फाइंड आउट करना है। और ZTH हमें ये बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर आपको ZTH फाइंड आउट करना है, ZTH फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सर्किट को सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना पड़ेगा। हमने यहां पे ये करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। और जैसा हमने कहा था कि यहां पे हमें सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना है, तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ओपन सर्किट के ये जो ब्रांचेस है इसको हम रिमूव करेंगे। ओपन ब्रांचेस को रिमूव करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ हमने क्या किए, ये जो ओपन सर्किट की ये जो दो लिंक है ऊपर का और नीचे का, ये हमने रिमूव किया है, बाकी पूरा सर्किट आपके सामने है। और अब हम यहां पे ZTH फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द ओपन टर्मिनल ए बी। और ZTH फाइंड आउट करने के लिए यहां पे क्या सीरीज पैरेलल है, देखो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये बाहर से सभी के सभी सीरीज में है। देखिए ये पूरे के पूरे सीरीज में है और वो इसके साथ पैरेलल में है। इट मींस हम यहां पे आसानी से यहां पे ZTH का कैलकुलेशन लिख सकते हैं। ZTH इज इक्वल टू देखो 6+J3+4, तो यहां पे हम लिखेंगे 6+J3+4, इट इज इन पैरेलल विथ -J8। ये देखिए हमने यहां पे जो लिखा है इसको आप समझ लो, काफी आसान है ये। ये सभी के सभी सीरीज में है और वो फिर इसके साथ पैरेलल में है, -J8 के साथ पैरेलल में है, इसलिए हमने यहां पे लिखा है 6J3 और 4, ये तीनों का सीरीज। इसका मतलब हमने तीनों को ऐड कर दिए और ये पूरा कॉम्बिनेशन -J8 के साथ यहां पे पैरेलल में है, ऐसा हमने शो किए। और अब बस इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना काफी आसान है। सबसे पहले हम यहां पे इसको ऐसा लिखेंगे, 6+4 कितना, ये हो गया 10+J3, और ये पैरेलल रहेगा -J8 के साथ, और इसको पैरेलली सॉल्व करना काफी आसान है। हम इसको लिखेंगे 10+J3 इंटू -J8 डिवाइडेड बाय 10+J3+-J8। ये देखिए यहां पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और कैलकुलेटर में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो ही आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो देखिए अब हम यहां पे ZTH का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पे सॉल्व करना काफी आसान है, हमने क्या किया यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला अप्लाई किए। दो इंपेडेंसेस अगर पैरेलल में है तो Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1+Z2, इट मींस दो इंपेडेंसेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दो इंपेडेंसेस का एडिशन। तो ये देखिए Z1 × Z2 डिवाइड बाय Z1+Z2, इस तरह से हमने यहां पे किए हैं। और कैलकुलेटर आप कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करेंगे, फिर आपका आप ये कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10+3i। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन जो है
वो कैलकुलेटर में करते समय कैलकुलेटर आप कॉम्प्लेक्स मोड में ले लेंगे, 10 + 3i ब्रैकेट में इनटू ब्रैकेट में -8i ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय फिर से ब्रैकेट में 10 + 3i ब्रैकेट कंप्लीट प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस दैट इज 8i, जो भी आप लिख रहे हैं वो सब कुछ आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये एज इट इज हमने यहां पे लिखा है और अब इसको हम सॉल्व करने के बाद यहां पे आंसर आ चुका है और ये हमने सीधा एंगल के फॉर्म में आंसर निकाले हैं, दैट इज 7.47 एट एन एंगल ऑफ -46. दैट इज 735 ओहम। तो फाइनली यहां पे हमें ZTH मिल गया। ZTH इट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। जैसा हमने कहा था कि नॉर्टन थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है और पहला स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। और ये ZTH हम यहां पे साइड में यहां पे लिख के रख देते हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमें इसको स्टेप नंबर 3 में यूज करना है। तो ये हम यहां पे लिख रहे हैं -46.735 ओम। तो पहले स्टेप का आंसर हमने यहां पे लिख के रख दिए और अब स्टेप नंबर 2 की बारी। तो चलो स्टेप नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज IN। और नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते समय आप फिर से यहां पे एक न्यू सर्किट बनाएंगे और न्यू सर्किट बनाते समय जो करंट सोर्स को आपने डीएक्टिवेट किए थे उसको फिर से एक्टिवेट करेंगे और नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट टर्मिनल्स AB को हम शॉर्ट करेंगे। तो यहां देखिए हम इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 2, देखिए यहां से स्टार्ट हो गया स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे अब नॉर्टन करंट रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ IN दैट इज नॉर्टन करंट। और जैसा हमने कहा था कि नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना है, आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है। ये जो आउटपुट टर्मिनल AB है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, यहां से हम शो करेंगे नॉर्टन करंट और यहां पे जो हमने करंट सोर्स को पहले डीएक्टिवेट किए थे अब ये करंट सोर्स को हम यहां पे फिर से शो करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था यहां पे हमने ये न्यू सर्किट बना लिए है, करंट सोर्स को हमने फिर से एक्टिवेट किया है और यहां पे आउटपुट टर्मिनल AB को हमने शॉर्ट कर दिया है और यही आउटपुट टर्मिनल AB को शॉर्ट करके हम उसमें से नॉर्टन करंट शो करेंगे। हम यहां पे शो करेंगे नॉर्टन करंट IN, यही करंट आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ये नॉर्टन करंट IN यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम ये नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे A और B टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने से यहां पे एक डमी ब्रांच क्रिएट हो गया। डमी ब्रांच क्या होता है, डमी ब्रांच यूजलेस ब्रांच होता है, जो ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होता वो ब्रांच को हमेशा रिमूव करना होता है। तो यहां पे एक डमी ब्रांच यहां पे क्रिएट हो गया, यूजलेस ब्रांच क्रिएट हो गया। कौन सा है वो ब्रांच, तो ये देखिए ये जो शॉर्ट सर्किट आपने किए तो ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच के एग्जैक्टली पैरेलल, देखिए इसके एग्जैक्टली पैरेलल में ये जो ब्रांच है, ये जो इंपेडेंस है यहां पे, ये ब्रांच डमी ब्रांच हो जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, ये डमी ब्रांच को रिमूव करेंगे। तो ये डमी ब्रांच है ऐसा हम यहां पे मेंशन करेंगे, डमी ब्रांच ये है डमी ब्रांच। तो ये देखिए ये हम ब्रांच को यहां पे मेंशन किया है डमी ब्रांच, तो हमें क्या करना है, हमें ये ब्रांच को रिमूव करना है और बाकी रिमेनिंग सर्किट पूरा एज इट इज रहेगा। तो देखो ये ब्रांच को रिमूव करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए ये न्यू सर्किट आपके सामने है, सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ यहां पे जो डमी ब्रांच था जो -j8 ओम वाला ये जो ब्रांच था वो हमने रिमूव कर दिए, बाकी पूरा एज इट इज है। और अब हमें यही AB ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही नॉर्टन करंट IN है। और अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप चाहे तो KCL का यूज कर सकते हैं, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, आप चाहे तो KVL का यूज कर सकते हैं, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या आप चाहे तो यहां पे करंट डिवीजन रूल का भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आपको सिर्फ नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है। ये नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी मेथड का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो यहां पे हम सबसे आसान मेथड यूज करेंगे, वो है करंट डिवीजन रूल। तो चलो अब करंट डिवीजन रूल का यूज करके ये नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करेंगे। नॉर्टन करंट IN बाय करंट डिवीजन रूल फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता होना चाहिए। ये देखिए ये पूरा सर्किट है, पूरे सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में टोटल दैट इज 10 एट एन एंगल ऑफ 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए यहां पे करंट सोर्स लगा है, करंट सोर्स से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे देखिए करंट सोर्स में ये जो करंट लिखा है यही है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में टोटल इतना करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट जब डिवाइड होकर यहां तक पहुंचेगा तो ये करंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन हमें नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो ब्रांच है ऐसा बाहर से गई है, ये देखिए ये जो ब्रांच है ऐसा बाहर से गई है, ये आप इसको सीधा सीधा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो हम यहां पे उसको सीधा ज्वाइन कर लेते हैं, सीधा ज्वाइन करने से आपका कंफ्यूजन यहां पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो
तो ये देखिए, ये हम यहां पे ऐसा सीधा ज्वाइन कर लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए सर्किट हमने ऐसा बना लिए जैसा हमने कहा था कि ये जो ब्रांच इधर से ऐसे बाहर से गया था उसको हमने सीधा स्ट्रेट बना दिए, और यहां से हम यहां पे देखो टर्मिनल ए और बी हमने यहां पे दे दिए, और ये सर्किट में हम सॉल्व करेंगे और नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिविजन रूल। तो यहां पर हम सबसे पहले टोटल करंट कितना है वो लिख लेंगे, टोटल करंट वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो ये हम मेंशन करेंगे टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल करंट दैट इज आईटी, टोटल करंट को हम आईटी कहेंगे और वो है 10 एट एन एंगल ऑफ 90 एम्पियर, तो हम यहां लिखेंगे 10 एट एन एंगल ऑफ 90 एम्पियर। तो ये है टोटल करंट, और अब हमें करंट डिविजन रूल का यूज करके नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिखेंगे बाय करंट डिविजन रूल नॉर्टन करंट आई एन इक्वल्स टू, तो टोटल करंट सबसे पहले लिखना होता है करंट डिविजन रूल का, जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल करंट का वैल्यू लिखना होता है। टोटल करंट का वैल्यू है 10 एट एन एंगल ऑफ 90, ये टोटल करंट का वैल्यू है। देन आपको यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तैयार करना होता है, न्यूमरेटर में आपको यहां पे इंपिडेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखना होता है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो इंपिडेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या है, तो देखो यहां पे नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंपिडेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच होगा दैट इज J3, तो ये हम लिखेंगे J3 ऊपर भी और J3 नीचे भी, प्लस अब आप जहां से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का इंपिडेंस आपको यहां लिखना होता है, करंट आप यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का इंपिडेंस कितना हुआ, देखो ये ब्रांच का इंपिडेंस हुआ दैट इज 6 + 4 दैट इज 10, तो हम यहां लिखेंगे 10। तो फाइनली ये हमने करंट डिविजन रूल यहां अप्लाई कर लिए और ऐसा हमने कुछ कैलकुलेशन लिखा है। अब ये करंट डिविजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने स्टडी किए थे। अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम के सभी प्रॉब्लम्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको करंट डिविजन रूल कैसे यूज करना वो पता चल जाएगा। फिर भी हम यहां पर शॉर्ट में बता रहे कि हमने यहां पर कैसे यूज किए। देखिए सबसे पहले करंट डिविजन रूल में टोटल करंट लिखना होता है, तो ये हमने टोटल करंट यहां पे लिखे हैं क्योंकि टोटल करंट को डिवाइड होने के बाद ही यहां पे नॉर्टन करंट आया है। टोटल करंट कहां से फ्लो हो रहा है, देखो टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन देखो उसका, डायरेक्शन ऐसा ऊपर है, टोटल करंट ये ऐसा निकल रहा है, यहां से टोटल करंट यहां तक आया और यहां तक आने के बाद डिवाइड हो गया, कुछ इधर गया और कुछ यहां पे नीचे गया। ठीक है, जो करंट इधर गया, ये देखिए जो करंट इधर गया वो करंट ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, देखो जो करंट इधर जा रहा है वो करंट जो है ये ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट है ये करंट यहां पे J3 ओम के ब्रांच में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट मींस यहां पे टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टोटल करंट जो है वो यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, हमें इधर से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें IN फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमने IN फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने टोटल करंट लिखे और अब यहां पे न्यूमरेटर में क्या लिखे, ये लिखे हैं इंपिडेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच का इंपिडेंस। तो अपोजिट ब्रांच कैसे पहचानना, काफी आसान है, ये देखो ये जो टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो यहां पर आप ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच जो है ये है अपोजिट ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच में से आप करंट फ्लो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल में देखो, इसके पैरेलल में इट मींस इसके अपोजिट में ये ब्रांच है, तो ये हो गया दैट इज ये हो गया अपोजिट ब्रांच, और ये अपोजिट ब्रांच में कितना इंपिडेंस है, J3 ओम का इंपिडेंस है, तो यहां पर हमने लिखा J3, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, प्लस आपको अब यहां पर क्या लिखना है, इंपिडेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का टोटल इंपिडेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का टोटल इंपिडेंस बोलो या टोटल रेजिस्टेंस बोलो, तो ये कितना है, देखो ये ब्रांच जो है इसमें 6 और 4 ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में करने के बाद ये हो गया 10 ओम। इस तरह से हमने ये करंट डिविजन रूल का यूज किए हैं, और बस अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम फिर से कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में लिखते समय बिल्कुल ऐसा ही लिखना है एज इट इज। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में 10 एट एन एंगल ऑफ 90 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू, न्यूमरेटर में है ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3i और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3i + 10, तो ये हमने लिख दिया है, और इसका आंसर जो है हम एंगल के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 2.8 2.873 एट एन एंगल ऑफ 163.3007 और ये एम्पियर। तो फाइनली हमने नॉर्टन करंट यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 2 हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और अब ये नॉर्टन करंट और इसके पहले के स्टेप में जो हमने जो फाइंड आउट किए थे वो, इट मींस इसके पहले के स्टेप में ये जो हमने ZTH फाइंड आउट किए थे, ये ZTH और ये जो नॉर्टन करंट है ये दोनों को
अब हमें स्टेप नंबर थ्री में पैरेलली कनेक्ट करना है और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट करना है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप नंबर टू का नॉर्टन करंट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, जैसा हमने कहा था, यहां पे हमने ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमें नॉर्टन करंट IN और थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस ZTH को पैरेलली कनेक्ट करना था। तो ये देखिए, IN और ZTH दोनों को हमने यहां पैरेलली कनेक्ट कर लिए और यहां पे जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे स्टेप नंबर वन और टू में, वो हमने यहां पे पुट कर दिए। ZTH का वैल्यू यहां पे, नॉर्टन करंट IN का वैल्यू यहां पे। तो ये है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था नॉर्टन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।